से। अरे एमपी को पता था कि एससी एसटी ओबीसी के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे, एक भी एसटी एससी एसटी ओबीसी के एमपी ने इस पर जवान खोलने की जरूरत महसूस नहीं की। पहले से पता था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने वाले, बावजूद इसके हमारे एमपी चुप रहे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये एमपी की सिर्फ उनके परिवार के लिए ही धोखा नहीं, बल्कि हर एक समाज के तबके के लिए एक तरह से कुंद करने की स्थिति है। और आप जिस तरीके से ऑटोनोमस बना दिया गया है, उसकी हालत रिजर्वेशन की क्या होने जा रही है, हमारे एमपी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समाज का जो प्रतिनिधि संसद तक पहुँचता है, क्या उसकी वफादारी सिर्फ एक ही पार्टी तक होनी चाहिए या अपनी ही पार्टी तक होनी चाहिए? अरे भाई चला दो, ये पूरी प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं। आप बोल रहे हो, हमारी आवाज इतनी कम भी नहीं है कि हम भी ना उसमें आप बोलते रहे, थोड़ी देर में खुद ही स्टार्ट हो जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सारा जो जो चल रहा था सब कुछ पूरा का पूरा प्रकरण, उस वक्त हम लोग कहाँ थे? और खैर मानिए, मैंने कहा कि एक तीन से दो तीन तरह के निशाने, एमपी की भी परीक्षा है, ये खुश होने की जरूरत नहीं है। एमपी की भी परीक्षा है और ये परीक्षा दलित बहुजन समाज की भी है। अगर दलित बहुजन समाज सड़कों पर उतरता है तो ये सरकार के माध्यम से कोर्ट से ये करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, 2019 का चुनाव उनको ये समझ आ जाएगा उनके लिए कि उनको कौन से एजेंडे फिट कर रहे हैं 2019 के चुनाव को जीतने के लिए। अगली चीज ये कि अगर ये आंदोलन हमारा बिखर जाता है इस तरीके से और हम उन पर दबाव नहीं बना पाते हमारे एमपी के माध्यम से, तो क्या होगा, उनके सामने ये क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि इनके लिए जो भी एजेंडा बना दीजिए आप अपना लागू करके रहेंगे। इसलिए मैंने कहा, मेरा ये मानना है कि इसमें सीधा सीधा सरकार जवाबदेही है, सरकार को मजबूर करिए सड़क से लेकर संसद तक। जब तक आप सरकार को मजबूर नहीं कर रहे, ये 13.5 रोस्टर एससी एसटी एक्ट का भंग बनाना और ऑटोनोमस बॉडी को क्या करना, ये लागू होकर रहेगा, आप सुन लीजिए। और दूसरी बात रही धरने प्रदर्शन की, आपको याद होगा भगाड़ा कांड, आज भी बैठे हुए जंतर मंतर, 3 साल हो चुके हैं, हमारे एमपी भी वहीं से निकलते हैं आते हैं बोलने के लिए वहां पे, और हमारे सो कॉल्ड जितने भी हम लोग वहां देखते हैं हुआ कुछ, 3 साल हो चुके हैं। तो सरकार को ये आदत पड़ चुकी है कि कुछ लोग बैठते हैं बोलते हैं अपना काम खत्म, उनका भी वो भी खुश और हम तो हैं ही खुश। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारे एमपी जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो एससी हो एसटी हो ओबीसी हो माइनॉरिटी हो, हमारी इवन महिला रिप्रेजेंटेशन हो, वो इन मुद्दों पर हमारे साथ है। और ये सिर्फ इन बैठे हुए चंद लोगों का मुद्दा नहीं है सर, ये उस समाज का मुद्दा है जो आज भी रेंगता है गंदे नालों के पास, जो आज भी अन्न के लिए मारा जाता है, एक रोटी के टुकड़े के लिए पीट पीट कर मार देते हैं, झूठे केसों में दबाया जाता है। अभी मैंने बीएचयू का उदाहरण लिया था, कल भी आज फिर बता देती हूँ, एक स्टूडेंट सामान्य सा स्टूडेंट बीएचयू में पीएचडी के काम के लिए जाता है, उसमें पुलिस वाला सिर्फ उसको इसलिए मारता है पुलिस थाने में ले जाके, क्योंकि उसने ये कहा कि वो दलित है, क्योंकि उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी उसने उसको लगाया मुस्लिम, क्योंकि पीएचडी कहाँ से कर रहा था, जेएनयू से, और पुलिस वाले ने बताया कि जेएनयू वाले तो नक्सलवादी होते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ जिंदाबाद मुद्दा, और थाने में जाके उसकी वो कुटाई की मुझे नहीं लगता 15-20 दिन तक वो ढंग से सो नहीं पाएगा। और बाद में क्या हुआ, मजेदार बात ये देखिए, बाद में उसको छोड़ भी दिया, क्यों, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कहीं ना कहीं डर तो है ना, वो डर व्यवस्था का नहीं है, बल्कि वो डर सिर्फ इस तरीके से जो लोग जो हमारे जैसे लोग उठ के खड़े हो रहे हैं इसके लिए है। इसलिए सरकार को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ आप दोबारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा नहीं हो सकता, सरकार को यह समझने की जरूरत है अगर महिलाएं यहाँ हंगर स्ट्राइक पे रियल हंगर स्ट्राइक पे बैठ सकती हैं तो वो लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ सकती हैं। और अब आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ आज पूरे देश को पूरी दुनिया को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानव अधिकारों पर की गई लड़ाई को पूरा विश्व मान रहा है, सिंबल ऑफ नॉलेज उसको ऐसे ही नहीं कहा गया,
आज हम उनके संतान हैं जो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आज अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। अगर सरकार को ये भ्रम है तो इस भ्रम को तोड़ देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, परीक्षा तो है और वो परीक्षा एमपीएस की भी होगी, इसलिए हमें अपना समाधान निकालना है। और समाधान इसका ये है सिर्फ कि आप अपने एमपीएस को हैं तो हमारे ही ना, वोट तो हमें